लिवर हेल्थ हेल्थ और फिटनेस दोनों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसके डिसफंक्शन, जिसके मैल फंक्शन से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, और बिलखसूस फटीक और लथार्जी। बिकॉज जब लिवर डिसफंक्शन होता है तो थायराइड जो हार्मोन्स हैं जिनकी कन्वर्जन लिवर में होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। तो सिम्टम्स क्या आते हैं कि आपको लथार्जी, फटीक, आँखों का पीला हो जाना और बहुत से ऐसे सिम्टम्स जिसमें बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, लिवर इज़ द मेजर डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन। तो बहुत से हार्मोन इम्बैलेंसेस के अंदर, जिस तरह ख्वातीन के अंदर PCOS का मसला आ जाता है, फाइब्रॉइड्स का मसला आ जाता है, एंडोमेट्रियोसिस है, सो ये हार्मोन इम्बैलेंसेस जिसमें आपका हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है वो अक्यूमुलेट एक्सेस में होना शुरू हो जाता है। तो लिवर अगर सही काम कर रहा होएगा तो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर हो रही होगी, आपकी एनर्जी ऑन पॉइंट होएगी। अब बहुत से ऐसे खाने हैं जिनको हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, यानी कि ऐसे खाने जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, दोज आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी। और वन ऑफ फ्यू ऑफ द फूड्स दैट आई एम रिकमेंडिंग आर बीट रूट, यानी कि चुकंदर, वो आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनके खाने से आपके लिवर को सपोर्ट मिलेगी और आपकी एनर्जी और बहुत से ऐसे सिम्टम्स जो कि लिवर मैल फंक्शन से रिलेटेड हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। अब आपने अपनी न्यूट्रिशन को तो इम्प्रूव करना है कि आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खानी है, लेकिन उसके साथ साथ सप्लीमेंटेशन भी करनी चाहिए। एंड द वन दैट आई यूज़ एंड आई पर्सनली रिकमेंड आल्सो इज़ कॉल्ड इट्स कॉल्ड अ हर्ब कॉल्ड मिल्क थिसल, और ये ऐसा हर्ब है कि जो आप खाएंगे तो आपके लिवर को एकदम, आपको जो सिम्टम्स हैं वो आपको इम्प्रूव होना फील होना शुरू हो जाएंगे। पर मेक नो मिस्टेक, मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आप अपनी न्यूट्रिशन को ठीक नहीं करेंगे, आप अपनी न्यूट्रिशन को भी थोड़ा सा ठीक करेंगे और उसके साथ साथ सप्लीमेंटेशन लेंगे फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। एंड द वन दैट आई एम रिकमेंडिंग, द वन आई हैव बीन यूजिंग, ये आपको वैसे तो फार्मेसीज पे भी मिलेगा बट इफ़ यू ट्राई ऑनलाइन, जिसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो इट इज़ द कंपनी इज़ कॉल्ड ब्लैक मोर्स एंड मिल्क थिसल बाय ब्लैक मोर्स, और इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट और ये इम्पोर्टेड है, इट्स रियली गुड। एंड लाइक आई सेड, मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं हमारा जो डिस्काउंट कोड है वो भी साथ मेंशन कर रहा हूँ। सो इफ़ यू यूज़ दिस डिस्काउंट कोड एंड यू गो टू देयर वेबसाइट माई वाइटमिन स्टोर, तो वहाँ पर आपको ये डिस्काउंट पर भी मिल जाएगा यूजिंग आवर कोड। तो बट द मेन थिंग इज़ कि आपने सप्लीमेंटेशन भी करनी है और मेजरली अपनी न्यूट्रिशन को भी ठीक करना है, और उसके अंदर आपने जो बात समझनी है वो ये कि मुझे एंटी इन्फ्लेमेशन फूड्स खाने हैं कि जिनसे मेरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होती है। बिकॉज लेट्स नॉट कन्फ्यूज ourselves कि बॉडी के अंदर बीमारी तब आती है जब इन्फ्लेमेशन होती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स कि इन्फ्लेमेशन को कम करना। तो ऐसे बहुत से ऐसे खाने के जो इन्फ्लेमेशन को आजकल फ़रोग दे रहे हैं, बट कुछ ऐसे खाने भी हैं जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वॉट यू नीड, सो गिव इट अ ट्राई।